रिजवान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। अच्छा थैंक यू आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता। कहो आंटी। जो गुस्सा है ना, क्या करूं, मुझे विरासत में मिला है। काफी कोशिश करता हूँ कि कंट्रोल करूं इसके ऊपर। काफी हद तक कामयाब भी हो चुका हूं, लेकिन कभी कभार कंट्रोल नहीं होता मेरा इसके ऊपर। तो आप मुझे माफ कर दीजिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद ना आपको और ना ही हानिया को मुझसे शिकायत हो। हानिया, अब बेटा ये देखो रिजवान आया, और कितना खूबसूरत बुके लेके आए मेरे लिए, है ना? नाइस। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हो? ठीक आंटी। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? आप, तुमने हर्ट तो किया था मुझे भी और हानिया को भी, लेकिन बस अब तुम एक्सक्यूज कर रहे हो, माफी मांग रहे हो, तो ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल रखना ऐसी कोई बात ना हो दोबारा। जी आंटी, आई प्रॉमिस एंड आई रियली प्रॉमिस कि आज के बाद ना आपको और ना ही हानिया को मुझसे शिकायत होगी। मैं पूरा ख्याल करूंगा। अच्छा आंटी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीकेंड पे मैं हानिया को अपने साथ खाने पर ले जाऊँ, अगर आपको एतराज़ ना हो। ये तो तुम हानिया से ही पूछो, ठीक है ना हानिया? अच्छा अंदर आओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। आ जाओ बेटा। अच्छा हानिया, आंटी मुझे माफ कर चुकी हैं, अब तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। सुनो, वो फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, आंटी का सिर्फ बहाना है। How thoughtful. अम्मी वेट कर रही। अरे वाह, तुम तो बड़ी होशियार निकली। जी भाभी, लेकिन अब आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ, जब शादी की बात होगी तो तुम्हें ही सपोर्ट करूंगी। चलो मैं फोन रखती हूँ। अरे सुने भाभी, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? अगर आप हिम्मत नहीं दिलवाती तो मैं सफीर से कुछ कह ही नहीं पाती। पहले तुम्हारा काम तो हो जाए, फिर कह देना शुक्रिया। अरे भाभी, अभी से भी थैंक यू सो मच। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, आज तो मेरे सारे बच्चे मौजूद हैं। तुम साजिद को भी ले आती साथ? अम्मी, मैं तो जान के उन्हें नहीं लेकर आई। अच्छा हम लोग बात कर लें। अरे आओ सफीर, बैठो। लगता है आज सफीर की जिंदगी में कोई बहुत अहम फैसला होने जा रहा है। क्यों अब्बू? अरे मियां, तुम तो जानते ही हो, इस घर में तुम्हारी बहन और तुम्हारी वालदा की हुक्मरानी चलती है, हमसे कौन पूछता है? कोई मुझे भी तो बताए क्या हो रहा है। थोड़ा सबर करें सफीर मियां, आपको भी पता चल जाएगा। बस कोई ऐसी खतरनाक खबर ना सुना दीजिएगा कि मेरी छुट्टी खराब हो जाए। खतरनाक खबर नहीं, बल्कि तुम्हारी दिल की बात। हम तुम्हारा और उजाला का रिश्ता पक्का करने वाले हैं। अम्मी, मैंने कहा था ना आपसे। कोई अम्मी अम्मी नहीं, अब तुम बस वही करोगे जो हम कहेंगे। असल में तो हम सब तुम्हारे दिल की ही बात कर रहे हैं। मेरे दिल की बात? हाँ, जो तुम्हारे दिल में है और तुम हम सबको बता नहीं पा रहे।
तो हमने सोचा कि मैं और हुमैरा मिलकर तुम्हारी मदद कर दें। क्यों फरीद? हाँ भाई बिल्कुल, अब तो सफीर की शादी हो जानी चाहिए। क्या हो गया आप लोगों को यार? मैं नहीं कह रहा कोई शादी वादी, और आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे मेरा रिश्ता पक्का करने के लिए। अबू आप ही कुछ बोले ना। अरे भैया इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या? आप ही तो मुझे कहते आ रहे हैं कि कितने काम अधूरे पड़े हुए। हाँ तो काम होते रहेंगे, अभी तो रिश्ता ही हो रहा है ना, शादी तो नहीं हो रही तुम्हारी। बस सुन लिया तुमने, अब बस तुम भी तैयार हो जाओ। क्या हो गया आपको? क्या क्या हो गया? अरे इतनी अच्छी लड़की तो है उजाला, और हम सबको पसंद है, और तो और तुम्हें भी पसंद थी, ये फिर बिला वजह इनकार की वजह। मुझे पसंद है। हाँ तो और क्या, मेरा जो भाई है मुबशिर, उसने तुम्हें आइसक्रीम पार्लर में देखा था उजाला के साथ। अब देखो जो इंसान को पसंद होता है इंसान उसी के साथ तो बाहर जाता है घूमने फिरने। अभी वो तो वैसे ही। बस बस अम्मी आप बताएं कब आ रही हैं आप मेरी सास की तरफ? कोई मुझसे भी तो पूछ लो। हम सब यहाँ आज तुमसे पूछने के लिए नहीं, तुम्हें बताने के लिए जमा हुए। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होता मगर नहीं हो सका, और अब वो होगा जो तुम चाह रहे हो लेकिन मान नहीं रहे। और सोचो तुम्हारे इस बेवजह इनकार से मेरे ससुराल में मेरी क्या हालत होगी। बेटा मान जाओ ना, हम सबकी इसी में खुशी है। ठीक है फिर, अगर आप लोगों ने तय कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ, कर लें जो मर्जी ठीक। लो भाई, मुबारक हो, हमने मान गया। अब आप कब आ रही है मेरे ससुराल? चलो 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 मिठाई खाते हैं, मैं खिलाऊं। ये ले, सबसे पहले सफीर। क्यों सफीर? खाओ। आप लोग भी लीजिए प्लीज। जी किसी की कमी थी। हेलो। हेलो, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम? खैरियत? आज तुमने मुझे कैसे कॉल कर ली? वैसे ही मैंने सोचा हाल चाल पूछ लूं और मुबारकबाद दे दूं शायद। किस बात की मुबारकबाद? उस दिन मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा था, आई थॉट तुमने सोचा कि मेरी भी मंगनिया निकाह हो गया है, राइट? हाँ, नहीं अगर हो गया तो आई एम ऑनेस्टली मैं खुश हूँ बहुत तुम्हारे लिए। मैं भी। मैंने सोचा कि जब तुम जिंदगी में अपनी आगे बढ़ चुकी हो तो मैं पीछे रहकर क्या करूँगा, मुझे किस बात का इंतजार, तो मैंने भी मंगनी कर ली। बिल्कुल अपनी जैसी मिडिल क्लास फैमिली से है लड़की, बहुत ही आम और मामूली से लोग हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। और हानिया तुम एक मजे की बात सुनो, उन्होंने कोई शर्त भी नहीं रखी मुझसे। अच्छा
अच्छा चलो मैं चलता हूँ, अंदर से मुझे कोई आवाज दे रहा है। I'm so sorry. I'm so sorry. तुम जाओ। Okay, bye. Bye. किससे कहूँ कि सफीर मेरा बचपन है, नहीं है, मेरी ख्वाहिश है। एक ऐसा दोस्त है जो मैं खो दूंगी। अम्मी और अब्बा ऑफ कोर्स मेरा भला चाहते हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोच रहे कि जो इज्जत मुझे सफीर दे सकते हैं उसकी तवक्को रिजवान से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं सोच रहे वो कि शादी जैसे अहम रिश्ते की बुनियाद दौलत या जायदाद नहीं हो सकती है। यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां इश्क जलावे इश्क बुझावे इश्क ही सारा भेद रचावे इश्क ही सारा भेद रचावे इश्क ही आप खुदा इश्क ही आप खुदा खुदाई वे खुदाई वे क्या हुआ सफीर? आप खुश नहीं लग रहे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं तो? सफीर मैं जानती हूँ आप अंकल आंटी और घर के मसलों को लेकर थोड़े परेशान हैं, पर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके साथ। Thank you. अच्छा थोड़ा सा तो मुस्कुरा दे, हमारी मंगनी हो चुकी है। चलो ना, तुम कहाँ बैठी? आओ ना।
Safir, I'm in love with you. Safir, I'm in love with you. I'm in love with you. Safir, I'm in love with you. देखो सर, मुझे किसी और से शादी वादी नहीं करनी। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना। रिजवान ने कुछ क्लैरिटी के लिए लाई थी आपको यहाँ। बहुत आसान, मैं और सफीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। तुम्हें जॉब हजारों की मिले या लाखों की मिले, इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म ही तो हो गई। मैं भी तो तब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बस एक अच्छी जॉब की तो देर। बाय, जाओ, गो। हिम्मत रखने के लिए उम्मीद का होना बहुत जरूरी होता है, और मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी से क्या उम्मीद रखूं। कुछ खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो लोग खुद को हमारी जगह पे रख के क्यों नहीं सोच सकते हैं? वो भी तो इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं ना। डोंट बी इमोशनल प्लीज। मैं बात करूंगी उन दोनों से। मानते हैं तो ठीक है, वरना आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू। तुम ऐसा नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करोगी। आए सफी, देखो तुम हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मेरे साथ खुश भी नहीं रहे। बेहतर होगा कि तुम भी ये बात जल्दी जान लो। अच्छा, भाषण खत्म हो गया तो मैं बोलूँ? तुम्हें क्या लगता है सफी, यू आर दी ओनली वन सफरिंग? यहाँ मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं, जस्ट गिव अप। क्या जरूरत है लड़ने की? सब कुछ खत्म हो चुका है ना, तुम बस उनकी बात सुनो, वो जो चाहते हैं तुम वो करो, आगे आने वाली जिंदगी में खुश रहो। सफी, तुम हार मान सकते हो, मैं हार मानने वालों में से नहीं। जो दिल पे हार रखती, शुक्र है सब कुछ खैरियत से हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छा हुआ। हुमेरा, घर वालों को पहनावनियाँ पसंद आई? जी जी, बल्कि अम्मी तो कह रही थी इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। अरे वाह, तकल्लुफ की क्या बात है, ये तो हमारी खुशी है। वैसे हुमेरा, सफीर अब सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, इस घर का दामाद भी है। जी जी बिल्कुल। वैसे जॉब तो सही चल रही है ना सफीर की? जी जी, जॉब तो बिल्कुल ठीक चल रही है, बल्कि वो तो कोशिश करता है अच्छी से अच्छी हो जाए।
और देखिएगा इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द अच्छी मिल जाएगी जॉब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। वो साजिद मुझे बता रहा था कि सफीर को इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, बस थोड़ी सिफारिश की जरूरत है। जी, और वो यही नहीं चाहता, सिफारिश के खिलाफ है वो। भाई वो तुम्हें इनकार कर सकता है, हमें इनकार कर सकता है। उजाला बोलेगी तो उसे इनकार नहीं करेगा। जी जी, कह के देख ले, मगर ये चाय ठंडी हो गई है, गर्म करके लाओ। हाँ हाँ बेटा, हाँ आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ गर्म करके, से बहुत देर से निकली हुई है। हाँ जाओ। तो पानी भी इतना स्लो हुआ था यहाँ पर। क्या हो गया, क्यों मूड ऑफ है मैडम का, कोई बात करनी है? हाँ भी, अब मैं क्या करूं, जब से सफीर से मंगनी हुई है वो मुझे पलट के कॉल नहीं करता, मेरा हाल चाल नहीं पूछता। क्या कभी ऐसा होता है भाभी? ओहो, तो वो फोन नहीं करता तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम फोन कर लो उसे। मतलब मैं कॉल कर लूं? आपको पता है मेरी सहेली उसकी मंगनी हुई है, और उसका मंगेतर दिन में 10 दफा फोन करता है, उसका हाल चाल पूछता है, और एक सफीर, एक नंबर का बोर सड़ू इंसान। ओहो, इतना गुस्सा। चलो मैं सफीर को कहूंगी कि वो तुम्हें फोन कर ले, ठीक? नहीं भाभी, सिर्फ फोन नहीं, सफीर को बोले मुझे घुमाए फिराए खिलाए, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ कॉल कर ले। अच्छा, तो मैं सफीर को कहती हूँ कि वो आप जनाब को घुमाए फिराए खिलाए, ठीक? खुश? ठीक, थैंक यू भाभी। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो जाला, हो सकता है आंटी को और साजिद को तुम्हारा इस तरह मिलना सफीर से अच्छा ना लगे, तुम प्लीज उनसे मत कुछ कहना। क्यों, उन्हें मिलना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? ऐसा नहीं होता, मैं अम्मी को मना लूंगी, आप सफीर से बात करें बस। समझा करो, हो सकता है साजिद को भी ये अच्छा ना लगे, लेकिन मैं बात करूंगी सफीर से, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है, ओके दादी। ये क्या नई मुसीबत है कि सफीर से बात करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी मंगेतर साहबा का मूड कुछ ठीक नहीं है। क्यों, अब उसे क्या हुआ? नाराज है भाई तुमसे। क्या कर दिया मैंने आपकी? यही तो मसला है कि तुमने कुछ किया नहीं है, ना उसे फोन करते हो, ना घुमाने लेके जाते हो, और ना ही कोई गिफ्ट देते हो। फिर क्या है ये सब, मतलब मंगनी तो कर ली है ना मैंने, ये सब कुछ नहीं होगा मुझसे। क्यों नहीं होगा सफीर, हानिया से मंगनी हुई होती तभी ये सब तुमसे ना होता। देखो सभी, तुम्हारे अलावा उजाला का है ही कौन, रिश्ता बना है ना तो उसे ईमानदारी से निभा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो, उजाला के बारे में भी सोचो। क्या करूं अब मैं? तुम उसे बाहर कहीं डिनर पे लेके जाओ। डिनर? माफी, बात तो जानती है मेरे हालात ऐसे नहीं है, मैं ये सब अय्याशी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे पैसे ले लो सफीर, अभी तुम्हारे साथ साथ मेरी इज्जत का भी सवाल है। अभी अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा कर लूंगा मैं। अच्छा तो फिर कब करोगे फोन, कब लेके जाओगे उसको? अभी छुट्टी तो आने दे, अभी कैसे लेके जाओ सफीर? ले जाऊंगा मैं, आप फिक्र मत करो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, लाफ। लो भाई जवान। सर चाय पियो। थैंक यू।
आप मेरा बहुत ख्याल करते हैं। अरे भाई क्यों ना करें ख्याल, तुम हमारी जगह का इतना ख्याल करते हो, अपना काम पूरा ईमानदारी से इतनी मेहनत से करते हो, तो क्यों ना करें तुम्हारा ख्याल। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने घर वालों को बताया कि तुम यहाँ नौकरी करते हो? नहीं सर, जिस दिन उनको पता चलेगा तो वो दिन इस जॉब का आखिरी दिन होगा। तो फिर तो मैं दुआ करूंगा कि उनको कभी पता ही नहीं चले, क्योंकि मैं तुम जैसे मेहनती और ईमानदार लड़के को कभी खोना नहीं चाहूंगा। सफीर एक बात सच बताऊं, मैं आज मुझे एहसास हो रहा है इस बात का कि तालीम इंसान में कैसा निखार पैदा कर देती है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि आज तक मेरे पास अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लड़के जॉब के लिए आते थे और अपनी बेईमानी और चोरी की वजह से निकाले जाते थे। कोई भी काम करना नहीं चाहता था, सब चाहते थे कि उन्हें पैसे पूरे मिलते रहे। आजकल मिलते कहाँ हैं ऐसे मेहनती ईमानदार और पढ़े लिखे लड़के जो अपने काम को काम नहीं अपना ईमान समझ के करते हैं। सर अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं सच कह रहा हूँ मैं, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। शाबाश। थैंक्स फॉर द डी अगेन। चला जी अम्मी। देखो जल्दी घर आने की कोशिश करना, अभी तो सिर्फ तुम्हारी मंगनी हुई है, तुमने जिद की इसलिए मैंने तुम्हें इजाजत दी। उसे साजिद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा अम्मी, और सुनो बातों बातों में सफीर से कहना कुछ बड़ी नौकरी ढूंढे, सिफारिश से अगर नौकरी ढूंढेगा तो इसमें कौन सा हर्ज है, ठीक है ना? ठीक है। और बेटा सुनो, किसी फजूल जगह पे नहीं जाना, किसी अच्छी जगह पर तुम्हें डिनर करवाए ताकि उसको एहसास हो कि तुम्हारा मयार क्या है, आगे तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। अरे अम्मी आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, मैं आती हूँ। जल्दी आना। सफीर आप कुछ लेंगे? नहीं मैं बस एक ऑरेंज जूस लाऊं। थैंक यू। अरे सफीर सिर्फ ऑरेंज जूस पिएंगे आप? हाँ वो ऑफिस में आज एक दोस्त का बर्थडे था तो वहाँ खा पी लिया था मैं। अगर ऐसी बात ही तो आप मुझे पहले बता देते, हम किसी और दिन आ जाते। अरे नहीं नहीं, मैंने तो प्रॉमिस किया था वीकेंड का, अगर नहीं आता तो बुरा लगता तुम्हें। कितना ख्याल है आपको मेरा। सफीर आपको पता है मेरी दोस्त रेहाना वो इस रेस्टोरेंट में दो दफा आ चुकी है और उसने इतनी तारीफें करी कि मेरे कान पक गए। मैंने तो सोच लिया था कि मैं आपके साथ इसी रेस्टोरेंट आऊंगी। चलो अच्छा है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ख्वाहिशें मेरी ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, ये तो रही सिर्फ खाने की बात। अच्छा और क्या क्या ख्वाहिशात हैं आपकी? आपकी बहुत अच्छी सी जॉब और आपकी सैलरी लाखों में हो, डिफेंस में अपना घर, एक बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, हर साल वर्ल्ड टूर, ज्वेलरी वगैरह। हाँ पर ये सब तो नहीं है ना मेरे पास। हो जाता एक मामूली सी नौकरी है, 50,000 रुपए सैलरी है और खचाड़ा सी मोटरसाइकिल। तो क्या सफीर सब आ जाएगा? कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी सब कुछ? अरे मैं बहुत लकी हूँ, मैं कह रही हूँ ना ये सब भी आ जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? अगर मैं इससे भी ज्यादा छोटी नौकरी करने लगा, बल्कि
अगर मजदूरी करने लगा किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होके, अगर पेट्रोल भरना पड़ा दूसरों की गाड़ी में तो? सफीर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पेट्रोल पंप पे नौकरी? ये नौकरी करें आपके दुश्मन। मैं तो बस फर्ज कर रहा था। कुछ अच्छा फर्ज कर लिया करें, छोड़ें ये सब बात। मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना नहीं आया अभी तक। थैंक यू हानिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज वीकेंड है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम खाने पे आते हैं, कम से कम हमें टाइम मिल जाएगा दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या लोगे, क्या मंगवाओ? मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, थैंक्स। ओके। हानिया, सफीर, यहाँ कैसे? क्यों, यहाँ कोई भी आ सकता है। तुम ठीक कह रही हो, इस रेस्टोरेंट का टाइम पर लेवल हुआ करता था, लेवल। लेकिन अब ये हालात आ गए हैं कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ पर आता है। तुम जानते हो मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि सफीर के लिए तुम्हें ये बातें पसंद नहीं? तुम क्या चाहते हो, मैं उठ के चली जाऊं? नहीं ठीक है, मैं चली जाती हूँ। हाँ? अच्छा क्या हो गया, रिलैक्स, काम डाउन, मजाक कर रहा हूँ मैं। अब तुम यहाँ बैठो, मैं भी आ रहा हूँ, और प्लीज नाराज मत हुआ करो। हे सफीर, क्या हाल है भाई? ओह हेलो रिजवान, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हे क्या तुमने शादी वादी कर ली है क्या? नहीं, मंगनी हुई है। वाह, कंग्रेचुलेशंस मैन, आप आओ जॉइन अस। हानिया भी आई है मेरे साथ। कम नहीं नहीं तुम लोग एंजॉय करो। हम अरे सफी चलते हैं ना, सब मिलकर खाना खा लेंगे। See, she's right, bro. I insist. You have to go. मगर हाँ, चलना यार। Let's go. चलें। Hi, भाभी, come. Sit. बैठ। बैठे भाभी। मुबारकबाद दो इसको यार। साहबजादे की मंगनी हो गई है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स। भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। वैसे आप दोनों साथ पढ़ते थे ना? जी। फिर तो आप दोनों में बड़ी दोस्ती भी होगी। ऐसी वैसी दोस्ती, तो शुक्र है मेरा निकाह हो गया हानिया से, वरना एक टाइम पे इनकी ऐसी दोस्ती थी कि इनको देख के मैं चलता था। इसमें जेलेसी की क्या बात है, जब ये दोनों साथ पढ़ते थे तो इनकी दोस्ती भी होगी। वैसे आप दोनों की शादी कब है?
मेरा मतलब है रुखसती। एक्चुअली मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी है तो लेट्स सी, अभी कुछ प्लान नहीं किया। What about you guys? कब कर रहे हैं आप लोग शादी? सफीर तो मुझे कह रहे थे कि डायरेक्ट शादी ही कर लेते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मंगनी का टाइम फ्रेम हम लोग इंजॉय भी करें। क्यों सफीर? आप लोग आइएगा हमारी शादी में। हाँ क्यों नहीं आएंगे, लाजमी आएंगे। बस एक बार सफीर बुलाए तो सही, फिर देखो क्या होता। क्यों नहीं, सफी मेरी कोई बात टालते ही नहीं है, जरूर बुलाएंगे। वैसे आप करते क्या हैं? मेरा मतलब है आपकी जॉब क्या है? जॉब? कम ऑन, नो वे। मेरे डैड की जमीन है गांव में और जो शहर में ऑफिस है वो मैं संभालता हूँ। वाओ, फिर तो आप बहुत अमीर होंगे। कभी गरूर नहीं किया। एनीवे सफीर, हाउ इज जॉब गोइंग मैन? अच्छी जा रही। गुड, वेरी गुड। अरे सफीर, वो तो ये जॉब सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, वरना सफीर तो इतने टैलेंटेड है कि इनको कोई भी जॉब आराम से मिल सकती है ना सफीर? जला मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, देर हो रही है। अरे ऐसे कैसे, बैठो ना यार, अभी तो आयो और ऐसे मौके बार बार कब मिलते हैं। जब चांस मिलेगा तो अवेल करते हैं इसको। क्यों आनिया? प्लीज हैव डिनर विद अस। क्या खाएंगे आप लोग बताइए? नहीं थैंक यू। ए सफीर कैसी बातें कर रहा है यार, मैं बिल पे कर रहा हूँ, ट्रीट इज ऑन मी ब्रो। Take a chill pill. Why? My treat. Why? TV1 के नहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।